दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के अंदर अपनी सर्च हिस्ट्री को डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सर्च हिस्ट्री से मुराद ये है कि सर्च हिस्ट्री हमारी जो विंडोज़ के अंदर होती है, यानी कि अगर आप विंडोज़ में आके कुछ फाइंड करते हैं या सर्च करते हैं तो वो आपकी हिस्ट्री सेव कर रहा होता है विंडोज़ के अंदर। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं इस स्टार्ट मेन्यू के आइकन पर आके राइट क्लिक करूंगा और हम आ जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे परमिशन, सर्च परमिशन एंड हिस्ट्री, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सर्च परमिशन एंड हिस्ट्री की विंडोज़ खुल के आपके पास आ जाएगी। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं। सेफ सर्च के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, स्ट्रिक्ट रिजल्ट, मॉडरेट वेब रिजल्ट और ऑफ। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इन तीनों में से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब फिल्टर आउट एडल्ट इमेजेस एंड वीडियोज फ्रॉम वेब एंड रिजल्ट, तो आप इसको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर मॉडरेट चाहते हैं, मतलब मॉडरेट हो रिजल्ट, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये वाली हिस्ट्री बिल्कुल ऑफ हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कि अलाउ विंडोज सर्च टू प्रोवाइड रिजल्ट फ्रॉम द ऐप एंड सर्विसेज दैट यू आर साइनड इन योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो हम इसको भी ऑफ कर सकते हैं। वर्क और स्कूल अकाउंट, इसको भी ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस टू इम्प्रूव योर सर्च सजेशन लेट विंडोज सर्च स्टोर योर सर्च हिस्ट्री लोकली ऑन दिस डिवाइस, तो ये वाला ऑप्शन है जिसको हमने करना है ऑफ। तो अब जब ये ऑफ हो गया तो अब हमारे पास जो हमारी सर्च हिस्ट्री है वो विंडोज के अंदर सेव नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ से क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री पे भी क्लिक कर देते हैं ताकि जो भी अभी तक हमने सर्च किया हुआ है वो वाली हिस्ट्री भी हमारी क्लियर हो जाए। तो देखा दोस्तों कितना आसान था ये। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि किस तरह हम विंडोज 10 और विंडोज 11 के अंदर अपनी सर्च हिस्ट्री को ऑफ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।